नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप मिशन 100 के यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हो रहे हैं आप तक पहुंच रहे हैं उनका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अब तक हमने देखा कि हम 2.1 एक्सरसाइज में एक जो बड़ा टॉपिक था हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, वो हम कंप्लीट कर चुके थे और उसके द्वारा हमने क्वेश्चन नंबर 3 हल किया था। अब उसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन है वो नेक्स्ट हल करने वाले हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो है 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। हमने 4 हल किया था, चौथे के 5-6 पार्ट थे। अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे है, क्या क्वेश्चन है, 408 और 1032 का HCF, 1032 x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में लिखा जाता है। तो x का मान ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको लगेगा कि ये क्या दे दिया, x हो गया, इतना बड़ा सवाल हो गया। बड़ा ही सिंपल सा सवाल रहने वाला है, बस इसने केवल x के रूप में ये जो क्वेश्चन है वो हमें दे दिया। सबसे पहले हम यही चलते हैं, यहां से हमने क्या डिसाइड कर लिया, बड़ी संख्या a होती है तो a हो गया 1032, छोटी संख्या b होती है b हो गया 408। हमारे पास a और b का मान आ गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगाएंगे हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में क्या कहती थी, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो 408 और 1032 का यदि हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो हमें 1032 को यू लिखना पड़ेगा, 1032 बराबर 408 गुणा। अब 408 से हम दो बार गुणा करते हैं, तीन बार गुणा करते तो आपको सीधा दिख रहा है, 4×3 = 1200 में चला जाएगा, यानी तीन बार तो जाएगा नहीं, दो बार ही भाग जाएगा, दो बार चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 408 × 2 816 होते हैं। 816 में से 1032 हम घटाएंगे तो घटाने पे कितने प्राप्त होते हैं, 1032 में से 816 घटाएंगे तो 216 हमें सामने दिख रहा है, 216 ये शेषफल रहने वाला है। अभी शेषफल सुनने नहीं है, इसका मतलब एक बार फिर से ये प्रोसेस करनी है। इस बार 408 नहीं लगाना है, किसका भाग लगाना है, 216 का लगाना है। तो लगाते हैं, कितने बार जाएगा भाग, एक बार 216 हो गए, कितने बच गए, यदि ये 416 होते तो पूरे पूरे 200 बचते, ये 408 है यानी 8 कम है, यानी कितने बचेंगे, 192। इस प्रोसेस को फिर से दोहराएंगे, 216 यहां लिखेंगे, 192। इस बार ये जो 216 ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा, एक बार भाग जाएगा, कितना बचेगा, 8 होते 200, 16 और जोड़ दो 24 बच गए, 24 192 बराबर 24 गुना। अब 24 की यदि आपको टेबल आती है तो 24 × 8, 24 को 8 से गुणा करने पे पूरे पूरे कितने होते हैं, 192 होते हैं, यानी 8 बार भाग पूरा पूरा चला जाएगा। कहने का मतलब है कि हमारा जो HCF है वो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, HCF बराबर 24। उतारिए स्टूडेंट्स, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हमने लगाया और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हमने प्राप्त कर लिया कि 1032 और 408 का जो HCF है उसको 24 लिखा जाता है। इन दोनों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF आता है 24। यहां तक उतार लिया आपने, हमने a बना दिया 1032 को, 408 बना दिया b, और पहले दो बार भाग गया 216 शेष बचा, फिर 408 में 216 का दिया एक बार भाग, शेष बचा 192, फिर 216 का 192 भाग लगाया एक बार, शेष बचा 24, 192 में 24 का पूरा पूरा भाग चला गया, अतः हमें जो HCF प्राप्त हुआ वो प्राप्त हो गया 24। अब आगे जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये कह रहा है कि ये जो हमें HCF प्राप्त हुआ है ना, ये किस रूप में लिखा जाता है, ये लिखा जाता है इस रूप में, 1032 x माइनस 408 गुणा 5। ये किसको लिखा जाता है, ये कह रहा है HCF को लिखा जाता है, यानी जो HCF हमें 24 प्राप्त हुआ था
उसको हमने ऐसे लिखा 1032x-408 गुना 5 बराबर 24। ये तो 1032x ऐसे ही रहना, ये गुना हो जाएगा, आप कीजिए गुना। जब इसका गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40, 4 × 5 = 20, यानी 2024। अब ये गणितीय संख्याएं इधर आ जाएगी, 1032x बराबर 24 + 2040 हो जाएगा, ये 2040 इस 24 में जुड़ जाएगा तो आपको पता है कितना हो जाएगा 2064। कहने का मतलब है x का मान आ जाएगा 1064/1032, यानी x बराबर 2। x का मान निकालना था, x को सिंगल करेंगे, इधर ये गुणा में 1032 भाग में आएगा, दो बार भाग पूरा पूरा चला जाएगा। कहने का मतलब है कि इस x का मान कितना है 2। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमने ये दूसरी एक्सरसाइज का 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हल किया, जिसमें कि x का मान आ गया 2। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम ऐसे क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो कि देखने में एक अजीब सा क्वेश्चन लगेगा आपको, हालांकि बोर्ड के एग्जाम होते हुए 7-8 साल हो गए, ये क्वेश्चन है वो आज तक कभी नहीं आया पेपर में, लेकिन हमें क्योंकि सीखना जरूरी है, स्टूडेंट है तो हमें क्वेश्चन को हल करना आना चाहिए हर हालत में। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमारा प्रश्न है, आप जब इस प्रश्न को पढ़ोगे तब ही आपको थोड़ा सा पढ़ने में अजीब सा लगेगा कि ये क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। इसमें दो बातें विशेष इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, एक तो विषम, विषम आपको पता है वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, आपने नोट किया एक तो विषम। इसके साथ साथ आपने ये भी नोट किया होगा कि a बराबर bq+r के रूप का यदि है तो ये bq+r r है, ये r विषम है, ये 1, ये r है विषम 3, ये r है विषम यानी 5। हल करते हैं इसका। हल करने से पहले आपको ये एक बात विशेष बता दूं कि यदि हम इसकी तुलना bq+r से करें तो q की जगह तो q बैठा है, b की जगह क्या बैठा है, 6 बैठा है, यानी इस क्वेश्चन में b का मान है वो कितना है, 6 है। अब आइए हम विचार करते हैं, पहले b का मान 6, b का मतलब हम पढ़ के आए हैं यूक्लिड एल्गोरिथम, जो विभाजन एल्गोरिथम थी उसमें हमने क्या पढ़ के आया है कि b का मतलब होता है भाजक, और यदि 6 यदि भाजक है तो शेषफल की स्थितियां कितनी होती है। मान लो कि हम किसी संख्या में 6 का भाग लगाते हैं, अब विचार कीजिए अधिकतम शेषफल कितना बचेगा। 6 भाजक है तो अधिकतम शेषफल आपको पता है अधिकतम शेषफल 5 बच सकता है, 5 से बड़ा शेषफल, पॉइंटों की बात अलग है, बाकी 5 से बड़ा शेषफल संभव नहीं है। यदि शेषफल 6 बचेगा, 6 बच ही नहीं सकता क्योंकि भाजक 6 है, तो 6 बचने की स्थिति में शेषफल 0 हो जाएगा। उदाहरण से समझ लीजिए, मान लो ये 12 है, शेषफल कितना बचेगा 0। मान लो 13 है आपके पास, दो बार भाग चला गया, शेषफल कितना बचेगा 1। इन प्रत्येक शेषफल को भी विशेष तौर से आप देखते जाना, 14 शेषफल कितना बचेगा 2, 15 शेषफल कितना बचेगा 3, 16 शेषफल कितना बचेगा 4, 17 शेषफल कितना बचेगा 5 और 18। अधिकतम 5 बच गया ना, अब 5 से 17 से नेक्स्ट संख्या कौन सी, 18। इस बार भाग पूरा पूरा भाग 3 बार चला जाएगा इस बार, यानी शेषफल 0। कहने का मतलब है कि यदि भाजक कितना है 6, तो शेषफल का अधिकतम मान कितना होता है,
अधिकतम मान 5 होता है, यानी उससे एक कम, जितनी बड़ी संख्या है भाजक की उससे एक कम जो संख्या होती है वह क्या रह सकता है, हमारा संभावित शेषफल रह सकता है। अधिकतम शेषफल उतना ही रहेगा, उससे बड़ा शेषफल रह नहीं सकता। तो क्योंकि मैंने ये क्रम से ही है, आप कोई भी संख्या ले लो, यदि उसमें 6 का भाग लगाएंगे तो शेषफल है वो या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या 5 तक बचेगा, इससे ज्यादा बड़ा शेषफल 5 से बड़ा बचने वाला नहीं है। अब आप एक विशेष ध्यान रखिए, जहां पे शेषफल 1 बचा है, जहां पे शेषफल 3 बचा है, जहां शेषफल 5 बचा है, वो सारी संख्याएं कैसी है? जहां 1 बचा है वहां शेषफल संख्या कैसी है? विषम। 3 बचा है वो संख्या कैसी है? विषम। और जहां पे 5 बचा है वो संख्या कैसी है? विषम संख्याएं है। यानी हमने ये प्रैक्टिकल के तौर पे तो देख लिया कि जहां पे शेषफल कितने बच रहे हैं, 1, 3 और 5 यानी विषम संख्याओं के शेषफल बच रहे हैं, वहां पे पूर्णांक भी कैसा है? विषम है। अब ये तो हमने प्रैक्टिकल से देख लिया कि हाँ विषम है, इसको हम थ्योरेटिकल कैसे लिखेंगे वो आपको सीखना है। तो हल लिखा रहा हूं मैं इसका, माना वह धनात्मक पूर्णांक बराबर a, हमने इसको a मान लिया, आप इसको x भी मान सकते हो। a मैंने इसलिए माना है क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में a ही धनात्मक पूर्णांक होता है। आप इसको x मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से तुलना करें हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तुलना करने पर यदि हम इस सवाल की तुलना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से कर दें, a बराबर बी क्यू प्लस आर की तुलना किससे कर दें? 6q+1, 6q+3 और 6q+5 से करें तो b का मान कितना होता है? 6। यदि b बराबर 6 हो तो शेषफल की स्थितियां कितनी होती है? बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 संभव है। शेषफल की स्थितियां क्या होगी? 5 तक की संभव है, या तो 0 बचेगी या 1 बचेगी या 2 बचेगी या 3 बचेगी या 4 बचेगी या 5 बचेगी। यानी शेषफल का मान सदैव क्या होता है? 6 से छोटा होता है। जहां भी b का मान 6 है तो शेषफल का मान क्या होगा? 6 से छोटा होगा। अब हम बात करते हैं बारी बारी से इसकी, टोटल 0 से लेकर 5 तक यानी 6 स्थितियां, इन सभी स्थितियों को यहां हम लिख लेंगे। प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति से विषम पूर्णांक कितना था? a बराबर b, b का मान कितना है? 6q प्लस, पहली स्थिति में जो शेषफल है वो कितना है? 0, 6q प्लस 0। और हमने देखा था कि जहां शेषफल 0 बचता था वो कैसा पूर्णांक था? हमने देखा कि वो पूर्णांक था सम पूर्णांक। द्वितीय स्थिति, कितना? a बराबर 6q+1। अब किस शेषफल की बारी है? तो हमने देखा कि जहां शेषफल 1 बचता था वो पूर्णांक कैसा था? विषम पूर्णांक था। ऐसे करते हुए हम 6 की 6 स्थितियां हैं वो सारी उतार देंगे। ये कैसा हो जाएगा? एक सम पूर्णांक होगा। चतुर्थ स्थिति, a बराबर 6q+3, और आपने देखा कि जहां शेषफल 3 बचता था वह पूर्णांक कैसा था? विषम पूर्णांक था। पंचम स्थिति यानी पांचवी स्थिति, पांचवी स्थिति में हमने देखा इस बार कितना है शेषफल? 4। इन सभी शेषफलों को यहां उतारते जाना है शेषफल में प्लस r की जगह, और यह कैसा था? सम पूर्णांक था। षष्ठी स्थिति, a बराबर 6q+5, ये कैसा है? विषम पूर्णांक है। अतः सिद्ध होता है कि किसी भी संख्या का
किसी भी धनात्मक संख्या का विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? या तो होता है 6q+1, या होता है 6q+3, या होता है 6q+5 के रूप का होता है। तो बड़ा ही सरल सा सवाल था। हमने स्थितियां निकाली, शेषफल की स्थितियां हमें कितनी प्राप्त हुई? 0 से लेकर 5 तक की इसकी शेषफल की स्थितियां थी। इस तरीके से हमने कहा कि इसमें जो शेषफल की स्थितियां वो 5 है, तो टोटल 5 तक बच सकते हैं 6 स्थितियां। तो इनको हमने सभी को दिखाया। पहली स्थिति में हम संख्या को a को लिख सकते हैं 6q+0, क्योंकि पहली स्थिति से शून्य बच रहा है। और वो पूर्णांक कैसा था? हमने प्रैक्टिकल से देखा, सम पूर्णांक था। a बराबर 6q+1, जो 1 बच रहा था वो कैसा था? विषम पूर्णांक। ऐसे ही जहां से शेषफल 2 था, सम 3 था, विषम 4 था, सम 5 था, विषम। अब को जरूरी नहीं ये सवाल विषम का ही आए, इस सवाल को ऐसे भी पलट सकता है। यहाँ पे दे दे आपको क्या लिख दे, संपूर्णांक। जैसे ही संपूर्णांक लिखेगा ना, यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा 6q+2, 6q+4 के रूप का होता है। कोई जरूरी नहीं है 6 लिखे, आपको लिख दे 4। 4 लिखते ही जो संपूर्णांक है वो ऐसे बन जाएंगे 4q+2, ये स्थिति आएगी नहीं 6q+4 की, क्योंकि शेषफल अधिकतम 3 ही बच सकते हैं। ठीक है, यानी शेषफल की स्थितियां ऐसी होती है। शेषफल की स्थितियां हैं वो कैसी होती है? शेषफल जो होता है r का मान होता है वो 0 से तो होता है बड़ा, और 5 से क्या होता है? छोटा। 5 के बराबर भी हो सकता है और 5 से छोटा ही रहता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी जो विषम पूर्णांक है वो किस रूप का होता है? 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। अब आपको मेरे को होमवर्क करके भेजेंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? 5q+1, 5q+3 के रूप का होता है। ये आपका होमवर्क बन जाएगा इस क्वेश्चन का। किसी भी संख्या का धनात्मक विषम पूर्णांक 5q+1 या 5q+3 के रूप का होता है। अब आप समझ गए होंगे कि शेषफल की स्थितियां 1 और 3 में ही विषम होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि 2.1 के एक पहले और दूसरे क्वेश्चन है, वो थोड़े से लंबे क्वेश्चन है और थोड़े से आपको अभी अजीब से भी लग सकते हैं, तो मैं अभी उन क्वेश्चन को नहीं करा के हम नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज है उस पर चलते हैं। 2.2 एक्सरसाइज, 2.2 जो एक्सरसाइज है वह है अभाज्य गुणनखंड की। सबसे सरल टॉपिक है, 10वीं क्लास के स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही सरल सा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। हम अब सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, भाज्य संख्या आपने देखा होगा, अभाज्य संख्या हम पहले सीख चुके हैं। कोई भी भाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें किसी का भाग चला जाए वो भाज्य संख्या होती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि यदि हम भाज्य संख्या के टुकड़े करें तो जो टुकड़े हमें प्राप्त होते हैं वो सभी क्या होते हैं? अभाज्य संख्याओं के रूप में होते हैं। इसी को गणित की, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। 2.1 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम क्या सीखेंगे? ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय जो मैंने अभी बोली उसी को अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। मेरे साथ साथ आप लिखिएगा, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यह गुणनखंड या गुणनफल एक ही बात है। मैंने एक जगह फल लिखा, एक जगह गुणनखंड लिखा है। आप समझ जाना कि फल भी लिख सकते हैं और खंड भी लिख सकते हैं। यह गुणनखंड अद्वितीय होता है, बिना क्रम के अद्वितीय होता है।
तो मैंने बिना क्रम नहीं लिखा, मैंने सीधा लिखा है अद्वितीय होता है क्योंकि हम क्रम से चलेंगे लगभग। तो ये जो गुणनखंड हम करेंगे वो अद्वितीय होता है। कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि कोई भी भाज्य संख्या यदि हम उसके टुकड़े करेंगे ना, तो जो भी टुकड़े प्राप्त होंगे ना वो कैसे होंगे, एक भाज्य संख्या के रूप में प्राप्त होंगे। ये है अद्वितीय होता है, यानी एक भाज्य संख्या का जो भी गुणनखंड आएगा अभाज्य गुणनखंड वो एक ही प्रकार का होता है। क्रम में हम जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं संख्याओं का क्रम, लेकिन वो होता अद्वितीय होता है। मैंने ये यहाँ पे नहीं लिखा कि क्रम है बिना क्रम के, क्योंकि हम क्रम से ही लिख के चलेंगे। वैसे प्रमेय ये कहती है कि बिना क्रम के अद्वितीय होता है, यानी उनका क्रम है वो कुछ भी हो सकता है, बड़ी संख्या पहले ले ले, छोटी संख्या बाद में ले ले, लेकिन हम छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या की ओर में गुणनखंड के रूप में चलेंगे। तो ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है मेरे साथ। आप एक बार फिर से दोहराइए, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, इसे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यह गुणनफल या गुणनखंड क्या होता है, अद्वितीय होता है। यह गुणनफल या गुणनखंड अद्वितीय होता है। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यह गुणनखंड या गुणनफल अद्वितीय होता है। चलो स्टूडेंट्स, इस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को हम समझने का प्रयास करते हैं। जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप कहोगे कि सर ये तो बड़ी सिंपल सी ही थी थ्योरम या प्रमेय। चार 2.2 का पहला जो प्रश्न है वो सिंपल सा ही प्रश्न है, वो कह रहा है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न यही है, क्या प्रश्न है अपना, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, यानी हमें संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है। और संख्या क्या है, 468। हमारे पास 468 पहली संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड आप छोटी क्लासों में सीख के आए हैं, जी हाँ बिल्कुल वही तरीका है। 468 को हमें अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम दो का भाग लगाते हैं। हम जब दो का भाग लगाएंगे 468 में तो कितनी बार जाएगा, पहले दो बार जाएगा, फिर तीन बार जाएगा, फिर चार बार चला जाएगा, 234 फिर से जा रहा है दो का भाग। हम जो ये अभाज्य गुणनखंड करेंगे हमारा क्रम यही रहेगा, पहले हम छोटी अभाज्य संख्या लेंगे और फिर बड़ी संख्या। अब आपको पता है इसमें भी दो का ही भाग जाना है, एक बार सात बार, 117 हो गए। अब नेक्स्ट जब आप भाग लगाओगे तो आप अपने आप ही ऑटोमेटिक समझ जाओगे इसमें दो का तो भाग जा ही नहीं रहा है, क्योंकि पीछे पीछे क्या है, विषम संख्या यानी तीन की संभावना है। तीन का भाग कैसे चेक करते हैं, आप छोटी क्लास में सीख के हो, तीनों संख्याओं का योग कर लो, यदि उसमें तीन का भाग जा रहा है तो इसमें भी जाएगा। एक और एक दो, दो और सात नौ, नौ में तीन का भाग जाता है, नौ तीन से विभाजित है, इसका मतलब 117 में भी तीन का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 11 है तो फिर तीन बार, शेष बच जाएंगे दो, 27, नौ बार, 39 बार चला जाएगा। नौ और तीन बार आप फिर से जा रहा है तीन का, कितनी बार, 13 बार, 13 में तो आपको पता है एक ही बार चला जाता है। तो ये हमने 468 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया, कितना आया हम लिख लेते हैं, 468 बराबर 2 × 2 × 3 × 3 × 13, यही 468 का अभाज्य गुणनखंड है। परमे से समझते हैं, परमे क्या कहती थी, किसी भी भाज्य संख्या को 468 को अभाज्य संख्याओं के, ये देखिए दो एक अभाज्य संख्या है, तीन एक अभाज्य संख्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है, यानी 468 के जो भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे उनमें सभी संख्याएं कैसी होगी, अभाज्य संख्याएं होगी। यहां हमने क्रम लिया था, ये कह रहा है बिना क्रम के आप पहले लिख दो, चाहे दो लिख दो, चाहे पहले 13 लिख दो, फिर से दो लिख दो, यानी पहले आप यहां 13 का भाग लगाते थे तो भी कोई पार नहीं टूटने वाला था, यानी क्रम की कोई जरूरी नहीं है। लेकिन चाहे आप पहले 13 का भाग लगाओ, चाहे आप पहले 3 का भाग लगाओ, यह गुणनखंड अद्वितीय होगा। इसकी सबसे बड़ी शर्त यही है कि संख्याएं यही होगी, चाहे आप पहले 13 का भाग लगाओ। तो
मूलभूत प्रमेय है वो अब आपको समझ आ गई होगी इस उदाहरण के साथ में। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल या गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। यह गुणनखंड क्या होता है? अद्वितीय होता है, यानी इसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता गुणनखंड के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का दूसरा कितना है 945। 945 का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 2.2 के पहले का दूसरा करवा रहा हूं मैं 945 का। तो लगाइए दिमाग अपना स्टूडेंट्स, दो का भाग नहीं जा रहा है, क्या तीन का भाग जाएगा? अवश्य जाएगा। 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 में यदि तीन का भाग जाता है तो इसका मतलब 945 में भी तीन का जाएगा। कितनी बार जाएगा? पहले तीन बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, एक से इस पल बच गया 15, 315 बार। फिर से जा रहा है क्या स्टूडेंट्स तीन का भाग? नहीं जा रहा, यह जा रहा है 3 और 1 4, 4 और 5 9, यानी जाएगा। तीन का भाग दे दिया मैंने, कितनी बार जाएगा? 105 बार जाएगा। फिर से जा रहा है स्टूडेंट्स 5 और 1 6 होते हैं, तीन का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 35 बार। अब नहीं जा रहा है तीन का, पीछे पांच होता है तो पांच का भाग तो जाता ही जाता है। अब सात का जाएगा, एक कहने का मतलब है 945 का अभाज्य गुणनखंड जो कि अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड है कितना हुआ? 3 × 3 × 3 × 5 × 7, ये 945 का अभाज्य गुणनखंड है आपकी स्क्रीन पर। उतारिए स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि दूसरी प्रश्नावली कितनी सरल सी प्रश्नावली है जिसमें कि आपको अभाज्य गुणनखंड जैसे सवाल करने होते हैं। अब मैं तीसरा क्वेश्चन नहीं करा रहा, ये अपराध मुझसे मत करवाना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 140 है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये क्वेश्चन आप करो। 3825 चौथा क्वेश्चन, 3825 लगाइए दिमाग स्टूडेंट्स और बताइए कि क्या इसमें दो का भाग जाएगा? आधे से ज्यादा तो कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं जाएगा क्योंकि पीछे पीछे कितना है? पांच है, तो कितने का जाएगा? तीन का। क्या चेक कर लेते हैं, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, कहने का मतलब है तीन का भाग तो जाएगा ही जाएगा। देते हैं स्टूडेंट्स एक बार, पीछे कितने बचे? 8, दो बार पीछे कितने बचे? 2 यानी 22, 7 बार पीछे कितने बचे? 1 यानी 5, 1275। तीन का जा रहा है भाग, अवश्य जा रहा है, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 5 15, तीन का फिर से भाग दे रहे हैं। पहले 4 बार 7 है तो 2 बार कितने बच गए? 1 5, 425। अब वो नहीं जाएगा तीन का, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 4 और 2 6, 6 5 11। अब तीन का नहीं जा रहा है तो 4 को तो जाने से रहा, ऐसे नहीं जाएगा 4 का, क्योंकि हम ऊपर ही 3 का देके आए हैं, 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या 2 का नहीं जा रहा, तो 4 का 6 का इनका जाने का कोई सवाल नहीं है। 5 का अवश्य जाएगा, पीछे पीछे 5 है, ये नियम होता है कि यदि किसी संख्या के आखिर में 5 या 0 होता है उसमें 5 का भाग तो जाता ही है। 5 का देंगे हम, कितनी बार? 8 बार। 40 कितने बच गए? 2, 25 हो गए यानी 5 बार, वापस आ गया 5 पीछे पीछे, यानी 5 का भाग और जाएगा, 17 × 5 = 85 होते हैं 17 बार। ले लीजिए स्टूडेंट्स आपका सवाल रेडी है, 3825 बराबर 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ये हमने 3825 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। तो स्टूडेंट्स बड़े ही सरल से सवाल हैं, यदि आप इनको मन लगा के ध्यान से करोगे तो आपके लिए ये बेहद ही सरल होने वाले हैं। तो चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का पांचवा क्वेश्चन है और थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है क्योंकि लंबा सवाल है, 20,570। चलिए मैं आप पे देता हूं ये कि आप इसको कितनी देर में हल करते हो। कीजिए स्टूडेंट्स 20,570, आप समझ गए होंगे कि पीछे 0 है तो 2 का भाग जाएगा ही जाएगा, कितनी बार जाएगा? पहले एक बार, एक, 0 बच गया, 0 में 2 का भाग जाता नहीं है, भाग टूट गया, 5 आ गया, 5 का कितनी बार जाएगा? 2 बार, कितना बच गया? 1, 17, 8 × 2 कितने होते हैं? 16, 1 बच गया 10, 5 × 2 10, 10,285।
नहीं जा रहा ना, दो का पीछे पीछे पांच है, तीन का चेक कर लेते हैं, एक और दो तीन, तीन और आठ, आठ दो दस, दस और छह सोलह, नहीं जा रहा तीन का, पांच का तो जाएगा ही जाएगा, पीछे पांच है देते हैं। पहले दो बार यहाँ पे ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, इसको ध्यान से हल करें, मैं इसको साइड में हल कर रहा हूं, यहाँ आप है ना गड़बड़ करते ही करते हो, क्योंकि आपने तो कसम खा रखी है कि पहली बार में तो सवाल को सही करना ही नहीं है। चलिए मैं साइड में दे रहा हूँ, भाग थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, जूम कर देता हूँ, कई स्टूडेंट्स को दिखता नहीं है, शिकायतें भी करते हैं कि सर लाइव जो वीडियो आता है उनमें कुछ दिखता नहीं है सही ढंग से कई बार, तो चलिए मैं जूम में लिख देता हूँ, पांच का भाग लगाएंगे दो बार दस। स्टूडेंट्स आगे कोई संख्या नहीं बची तो हमने दो का सहारा लिया, बारी दो की है, दो में पांच का भाग जाता नहीं है, ऊपर से यदि कोई संख्या उतर गई तो भाग जाना जरूरी है, नहीं जा रहा ना, इसका मतलब भाग टूट गया, भाग टूटे की शून्य है। अब आठ को उतारेंगे अट्ठाईस, पांच बार चला जाएगा, कितने होते हैं पच्चीस, शेष फल कितने तीन, फिर पांच यानी सात, कहने का मतलब है 2057। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक, अब आप यहाँ ये मिस्टेक करते कि 257 उतार देते, यदि नहीं बताता ना मैं, आप पक्की बात है यहाँ पे 257 उतारते, क्योंकि ये भाग तोड़ना है ना, ये आपके लिए पहाड़ तोड़ने जैसा होता है। चलिए कोई बात नहीं, आदत है, धीरे धीरे हमारे साथ रहोगे तो सारी चीजें सीख ही जाओगे। चलिए स्टूडेंट, अब पांच का तो, पांच से जो छोटी संख्या उनका तो दिमाग मत लगाना कि भाग जाएगा, सात का ट्राई करते हैं, यदि हम इसमें सात का भाग लगाए तो दो बार चौदह छह बच गए पैंसठ, नौ बार फिर दो बच गए सताइस, नहीं जाने वाला, नौ का नहीं जाना, ग्यारह का, ग्यारह का लगा के देखते हैं, ग्यारह इंटू एक ग्यारह होते हैं, नौ बच गए पिचानवे, ग्यारह इंटू आठ अठासी, सात बच जाएंगे सतहत्तर, चला जाएगा स्टूडेंट, ग्यारह का भाग जा रहा है, ग्यारह इंटू एक ग्यारह कितने बच गए बीस में से ग्यारह चले गए यानी नौ बच गए पिचानवे हो गए, ग्यारह इंटू आठ अठासी होते हैं तो कितने बच गए अठासी में दो और पांच सात बच गए, सात सतहत्तर हो गए, सात बार चला गया 187। अब ग्यारह का है ना तो ऊपर वाली संख्या होगा नहीं, देखिए ग्यारह का चेक कर लो, ग्यारह का नहीं जा रहा इसमें, एक बार जाएगा तो शेष पल कितना बच गया सात, सत्रह हो गए, नहीं जाना, चेक करते हैं तेरह का, चेक कर लेते हैं हम, तेरह का देंगे तो शेष पल कितना बचेगा पांच, नहीं जाना, सत्रह का चेक करते हैं, चला जाएगा विश्वास समझे, पहले एक बार सत्रह, एक सत्रह एक बच गया, फिर से सात सत्रह यानी एक बार, सॉरी सत्रह का 187 में भाग लगा रहे हैं तो सत्रह का एक बार देंगे तो कितना बच गया एक, सत्रह एक, ग्यारह बार चला गया, इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से ग्यारह का भाग जाएगा, तो छोटी छोटी यदि गलतियां हो जाए ना तो ऐसे चेक करते हैं, एक बार ग्यारह एक इंटू ग्यारह कितना बच गया सात, सतहत्तर सात, ये देखिए स्टूडेंट्स यदि हमें पूरी थ्योरम आती है तो हमें पता भी चल जाता है कि हमने क्या मिस्टेक किया, वैसे ये मिस्टेक नहीं थी, हम आगे ग्यारह का भाग लगा देते, लेकिन हमने क्या सीखना है कि क्रम से ही सीखना है, तो अब सत्रह का चला जाएगा एक बार, कहने का मतलब है कि 20517 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो होता है दो गुणा पांच गुणा ग्यारह गुणा सत्रह, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, दो इंटू पांच दस, ये होते हैं 121 इंटू सत्रह, अब 121 को जब हम 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1210 गुणा सत्रह, गुणा कर लो, सत्रह को जीरो से गुणा करेंगे आपका फेवरेट यानी जीरो, सत्रह को एक से गुणा करेंगे सत्रह यानी आंसर एक, सत्रह को दो से गुणा करेंगे चौंतीस, एक हासिल वाली यानी पैंतीस, कितने रह गए तीन, सत्रह और तीन बीस, आगे स्टूडेंट्स 20570 यानी कि हमारा जो ये अभाज्य गुणनखंड है वह पूर्णतया सत्य है। तो स्टूडेंट्स ये था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के शेष बचे सवालों का हल, और इसके साथ ही अभाज्य गुणनखंड हल करना हमने सीखा अंकगणित की मूलभूत प्रमेय से। यदि स्टूडेंट्स आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोज को शेयर कीजिए, साथ में यदि आपको हमारे विद्यालय में एडमिशन लेना है, आदर्श परिवार में एडमिशन लेना है, मैं ये नहीं कहता कि आप मत देखिए, आप किसी भी चैनल को देखिए, किसी भी टीचर से हम सबकी सुनिए, लेकिन चुनिए बेस्ट को, आदर्श को चुनिए, जो कि स्थित है टांटिया कुएं के पास वार्ड नंबर 17 में, आप 1 जून से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।